प्रॉपर्टीज के अंदर ही बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेज हैं आर टू एंड आर वन, और हम बोलते हैं कि करंट की वैल्यू सीरीज में क्या रहेगी, सेम। करंट होता क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट या क्या रहेगी, सेम। उसी तरीके से इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आर वन है, ये आर टू है, ये आई करंट है, ये आई वन है, ये आई टू है, करंट डिवाइड होगा लेकिन वी की वैल्यू क्या रहती है, सेम। इसमें वी वन वी टू डिवाइड होता है। पाइप्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है, एक छोटी पाइप है और फिर आगे बड़ी पाइप है, तो याद रखना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों पाइप्स में क्या रहेगी, सेम, कॉन्स्टेंट। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में सेम है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू दोनों पाइप्स में क्या रहेगी, डिफरेंट। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर प्रेशर डिफरेंस। उसी तरीके से अगर पाइप्स पैरेलल में है, अगर पाइप्स पैरेलल में है तो जो भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आएगा, इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आएगा, उसमें से कुछ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसमें चला जाएगा और कुछ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसमें चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्रेशर की वैल्यू दोनों में पी एंड पी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम है, पी एंड पी सेम है, ठीक है यहां तक। तो प्रेशर डिफरेंस सेम है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह चलता है। पैरेलल के अंदर प्रेशर डिफरेंस सेम है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड होगा, सीरीज के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहेगा, प्रेशर डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके जो फॉर्मूला नोट करना है वो क्या करना है, फॉर्मूला ये नोट करना है, पॉइसलिस फॉर्मूला क्या देता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज पाई बाई एट डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस आर फोर बाई ईटा एल। आप डेल्टा पी को छोड़ के पाई और आर फोर को नीचे ले आओ तो ये टर्म आ जाएगी। ओम लॉ क्या कहता था, करंट जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है वो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड है, पर लिक्विड का करंट क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड होता है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को लिक्विड करंट बोलते हैं। तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओम लॉ में क्या होता था, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करंट है, इसमें लिक्विड करंट क्या है, प्रेशर डिफरेंस बाय लिक्विड की रेजिस्टेंस। तो पहला फॉर्मूला लिक्विड के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, पाइप में लिक्विड के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये नोट कर सकते हो, तो किसी भी पाइप में लिक्विड के रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। तभी तो कह रहा हूँ मुश्किल है, मुश्किल है फॉर्मूला आना ही वाला। हाँ वैसे मैंने बता दिया कि लीक कोड रेजिस्टेंस अगर आ जाए तो मैं क्या करूँ, छोड़ नहीं सकता ना, प्रोबेबिलिटी कम है आने की। तो पाइप्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना आपने इसमें, ये बुकलेट में से देखना अगर आपको करना है तो, ये सब कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ ही जाएगा। आपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें वो है इसमें फ्लूड फ्लो का। फ्लूड फ्लो में मैंने आपको बता दिया था कि ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, किया था हमने लास्ट टाइम, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड विल रिमेन सेम, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जीज ऑफ लिक्विड, एनर्जीज ऑफ लिक्विड में ये यूज की होती है बर्नौलीज थ्योरम में। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये नोट करना है आपने, सम ऑफ ऑल एनर्जीज एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट इन अ पाइप। तो इसका मतलब है दिस इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो सम ऑफ ऑल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। आप प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें तो बर्नौलीज थ्योरम पे पक्का क्वेश्चन आएगा, बर्नौलीज पे क्वेश्चन आएंगे। तो क्लियर है यहां तक?
फॉर्मूला लिख लिया सबने, ठीक है। तो इसके अंदर इस फॉर्मूले में अगर मैं दोनों साइड्स को जी से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड्स को जी से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये रेशियो आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ये आ सकता है वेलोसिटी हेड, ये है एलिवेशन हेड। वो कहेगा वेलोसिटी हेड निकाल लो, या वेलोसिटी हेड गिवन होगी वेलोसिटी निकालनी होगी, एलिवेशन हेड, और ये है प्रेशर हेड। तो ये तीन फॉर्मूला साथ में नोट कर लेना। वैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जी से डिवाइड करके, ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस नोट कर सकते हो। तो क्लियर है ये फॉर्मूला, कुछ नहीं करना प्रूफ आपने इसमें। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एयर फॉयल का कॉन्सेप्ट है। तो एरोप्लेन का जो बेस है वो एरिया में बड़ा होता है और ऊपर से एरिया क्या होता है, छोटा होता है। अगर एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी जो स्ट्रीम लाइन्स है एयर की, हवा ऐसे मूव करती है, स्ट्रीम लाइन्स एयर की कुछ ऐसे मूव करती हुई दिखाई देंगी, ये लो ऐसे मूव करती हुई दिखाई देंगी ऐसे। तो जहां पर एरिया ज्यादा है वहां एयर की वेलोसिटी कम है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेज दैट एरिया इनटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। तो अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। अब बर्नौलीज थ्योरम कहती है पी बाय रो प्लस जी इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाय टू, और यहां पे ऊपर की तरफ भी p बाय रो प्लस जी इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाय टू का सम कांस्टेंट है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हाइट को लेते नहीं है, क्योंकि ग्राउंड से एरोप्लेन बहुत ऊपर है और वेलोसिटीज इतनी ज्यादा होती हैं एयर की कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निग्लिजिबल है। ऐसा नहीं कि होता नहीं, निग्लिजिबल है, छोड़ देते हैं। हर बर्नौलीज के क्वेश्चन में एच को तो देखा ही नहीं जाता, छोड़ देते हैं। अब जहां पे वेलोसिटी कम है तो नीचे वाले पोर्शन में वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, और ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी कम है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा नीचे से ऊपर जिससे कि एरोप्लेन मूव करेगा। नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एरोप्लेन के उड़ने में। तो न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, रुको एक मिनट। तो इसके अंदर आपको बर्नौलीज के अंदर ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला न्यूमेरिकल एरोप्लेन वाला, ये आता है क्वेश्चन में, पेपर में बहुत आता है।
दो तीन न्यूमेरिकल बहुत फेमस है, वो तीन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, मिलते जुलते तो आ ही जाएंगे। पहला ये रहा, एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें एरोप्लेन लटका हुआ है, एक टनल है जिसमें से हवा फेंकी जा रही है, अपर और लोअर विंग्स के ऊपर हवा 70 और 63 है, तो नीचे और ऊपर की वेलोसिटीज गिवन है v1 v2। व्हाट इज लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट का मतलब होता है फोर्स ऑन द विंग, एक विंग के ऊपर क्या फोर्स लगेगी, फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि प्लेन पे क्या लग रहा है, प्रेशर का डिफरेंस p2 माइनस p1 ऊपर, तो प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी, फोर्स आ जाएगी। तो कितनी फोर्स लग रही है, अगर एरिया विंग का इतना है तो एरोप्लेन के इस टाइप के क्वेश्चन में लगाओ बर्नौलीज नीचे और ऊपर। हाइट को आपने देखना नहीं, वो तो किसी भी क्वेश्चन में छोड़ ही दो, हाइट को देखना ही नहीं, छोड़ दो। p1 माइनस p2 एक तरफ और v2 माइनस v1 एक तरफ, आपको वेलोसिटीज दोनों पता है, एयर की डेंसिटी पता है 1.3, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस। इस प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगी। अगर उसने लिखा फोर्स ऑन अ विंग तो फिर तो एक विंग का एरिया, अगर उसने लिखा फोर्स ऑन बोथ विंग्स तो फिर दोनों विंग्स का एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बर्नौलीज से ये कैसे निकलेगी फोर्स की वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन भी फेमस है, एक पानी की ट्यूब है और उसके ऊपर जब पानी रुका हुआ है तो प्रेशर इतना है, हमने नलका खोल दिया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द वाटर पाइप पे कितनी है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, इनिशियल प्रेशर पता है P1, जब पानी रुका हुआ है तो वेलोसिटी क्या है V1 0, फिर प्रेशर पता है जब वेलोसिटी V2 निकालनी है, तो पाइप में बर्नौलीज लगाओ, H को देखना नहीं, P1 पता है, डेंसिटी पानी की पता है, V1 0 पता है, P2 पता है, डेंसिटी पता है और V2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो सीधा आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये वाला, आपको इस क्वेश्चन में एक छत गिवन है, रूफ है एक हट की, विंडो नहीं है इसमें, तो डेंसिटी पता है इसकी, तो स्पीड हॉरिजॉन्टल छत के ऊपर हवा निकल गई विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, रूफ का एरिया पता है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ लिफ्ट ऑन द रूफ, तो लिफ्ट का मतलब कितनी फोर्स लगेगी रूफ के ऊपर, ये आपको बताना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप इस छत के नीचे और ऊपर क्या लगाएंगे, बर्नौलीज थ्योरम, हाइट को तो छोड़ ही देना, लेना ही नहीं है, छत के नीचे एयर तो चल नहीं रही तो वेलोसिटी को जीरो पुट करेंगे, छत के ऊपर V2 आपको पता है, यहां से P1 माइनस P2 आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, छत के ऊपर फोर्स आ जाएगी। आंसर हर का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है यहां तक। फिर इस टाइप की प्रॉब्लम देख लो, ये वाली प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसमें डायमीटर 60 से 20 हो गया, तो आपको एक तरीके से A1 A2 तो पता है, A1 A2 पता लग गया, the pressure difference between A and B is 100 centimeter of water, तो pressure difference A और B के बीच में 100 centimeter of water column है, यानी कि H rho G अगर solve करें 100 centimeter of water column क्या होता है, P1 minus P2 is 100 centimeter of water column means 100 into density of water into G, तो 100 into density of water क्या है, 1 into G कितना है 980, तो ये pressure difference पता है। आगे क्या निकालना है मुझे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि क्या निकालना है, A1 V1 या A2 V2 एक ही बात है, प्रॉब्लम ये है कि A1 A2 तो पता है अपने को, V1 V2 नहीं पता, तो अगर मेरे को वेलोसिटी गिवन होती फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, A1 into V1 का क्या आंसर आता, ऐसे अगर V2 गिवन होता A2 into V2 से आंसर आ जाता, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया पता है, V1 V2 का रेशियो आ गया, फिर हम लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम, H को तो लेना नहीं, सॉल्व करके P1 माइनस P2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और यहां से क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऊपर से V2 9 V1 पता है, सॉल्व करके V1 आ गया, तो A1 V1 से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया। मतलब अगर आपको कुछ समझ में ना आए बर्नौलीज में, तो दो ही क्वेश्चन है आपके पास, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या बर्नौलीज थ्योरम, अपने आप अपने आंसर आ जाएंगे, और कुछ नहीं लगता इसमें। इसके बाद है फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो के अंदर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है कि अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, इस कंटेनर में एक ओरिफिस या होल, एक ही बात है होल है, इस होल की हाइट ऊपर के पानी से एच है और नीचे के लिक्विड से एच डैश है, तो लिक्विड बाहर निकलेगा, उस बाहर निकलते हुए लिक्विड की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो पहला फॉर्मूला नोट करें,
वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gh, और हाइट कौन सी लेनी है, होल से ऊपर की हाइट लिक्विड की लेनी है h जो भी होगी, तो ये आपने हाइट लेनी है। ठीक है, फिर दूसरा आपको ये गिवन होगा इसमें कि पानी कितनी दूर जाके गिरेगा ये निकालो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला नोट करें, 2 इंटू होल के ऊपर की हाइट और होल के नीचे की हाइट का अंडर रूट, ये होल के नीचे और होल के ऊपर की हाइट का अंडर रूट ये रहा, तो ये नोट करें। ठीक, तो क्लियर है यहां तक। अगला रिजल्ट नोट करो, आपके पास एक लिक्विड है, इसमें ये लिक्विड की हाइट इसमें कैपिटल एच है, तो बोलो होल में कहां रखूं ताकि रेंज लिक्विड की क्या आए, मैक्सिमम। तो रिजल्ट नोट करो, होल को पानी की लेवल के मिड पॉइंट पे रखना है, स्मॉल एच इज इक्वल टू एच बाई टू, मिड पॉइंट पे रखना है। ठीक है, यहां तक तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एच बाय टू। रिजल्ट याद रहेगा, ये तीन रिजल्ट्स। अब एक रिजल्ट नॉन मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल में तो मुश्किल है, रिजल्ट तो नहीं कहूंगा, टेक्निक है। टेक्निक ये है कि अगर आपको पेपर में होल गिवन हो, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पूछी हो, पर लिक्विड एक की जगह दो किस्म के लिक्विड यूज करे, एक की डेंसिटी 2D, एक की डेंसिटी D, फिर कोई शॉर्टकट चलता नहीं है, फिर आपको बर्नौली थ्योरम लगा के ही आंसर निकालना होता है। कैसे, आप इस होल के लेफ्ट और राइट पे दो पॉइंट्स लें, मेडिकल में तो मुश्किल है, नहीं आएगा, इस होल के लेफ्ट और राइट दो पॉइंट्स लें, दो पॉइंट्स एक अंदर और एक बाहर, तो यहाँ पर बर्नौलीज लगा दें ए और बी पे, हाइट को तो देखना नहीं छोड़ दें, और फिर ए पॉइंट का प्रेशर देखें क्या होगा, ए पॉइंट का प्रेशर होगा एच रोजी इस लिक्विड का प्लस एच रोजी इस लिक्विड का
प्लस क्या ऐड करना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। और बी पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पी एटमोस्फेयर, क्योंकि वो बाहर है। कंटेनर के अंदर जो वेलोसिटी होती है लिक्विड की वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ना मात्र है, क्योंकि बड़ा टैंक है, पानी धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ्लक्स। तो बर्नौलीज जब लगेगी तो ए पॉइंट का प्रेशर पुट करेंगे, ए की वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, बी का प्रेशर पुट करेंगे और बी की वेलोसिटी एफ्लक्स लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे पता नहीं कोई फॉर्मूला नहीं आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन आएगा, पर बर्नौलीज से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर रेंज निकालनी है तो कोई तरीका नहीं है, रेंज निकालने के लिए प्रोजेक्टल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो एच हाइट है तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इतने टाइम में लिक्विड बाहर गिरेगा। और रेंज निकालने के लिए एस इज इक्वल टू वी टी, एफ्लक्स ए पार्ट से निकला हुआ है और टाइम हमने बी पार्ट से निकाल लिया, रेंज आएगा, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं। और अगर रेंज बाई चांस नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल तो बिल्कुल भी नहीं, रेंज पूछ ले मैक्सिमम कब होगी, तो भाई फिर मैक्सिमम मिनिमा जगाओ अपना मैथ का और फिर मैक्सिमम करके रेंज निकालना, हाइट निकालना, इतना तो नहीं आएगा। इसके अंदर जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, अब एक आध क्वेश्चन होता है दोनों अलग अलग बात नॉर्मली है, तो ये लिक्विड है, लिक्विड की हाइट एच वन और ये वन और टू होल्स हैं, जो वन होल है उसकी हाइट यहाँ से कितनी है, एच वन है, और टू होल की हाइट क्या है, एच टू है, और पानी की हाइट क्या है, कैपिटल एच है। क्वेश्चन है कि अगर रेंज दोनों होल से जो पानी गिरा, रेंज दोनों में सेम है, एच वन एच टू और एच की क्या रेशियो होगी, ऑप्शन मार्क करने को आएगा। रेंज होती क्या है, इसकी रेंज है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट, होल के नीचे की हाइट क्या है, एच वन, होल के ऊपर की हाइट क्या है, एच माइनस एच वन, ये रही। ऐसी सेकेंड होल की रेंज निकाल लेंगे, स्क्वेयरिंग करके अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेंज सेम करने को कहा तो रेंज को सेम कर दें, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे सपोज करो इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कितनी देर में टैंक खाली होगा, तो जैसे सपोज करो ये आपके पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड में एक छोटा सा होल है जिसका एरिया स्मॉल ए है और हाइट लिक्विड की स्मॉल एच है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स अंडर रूट ऑफ 2gh है, टैंक का एरिया काफी बड़ा है कैपिटल ए है और पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ dh / dt, dh पानी का लेवल यहां से यहां गया, dh डिवाइडेड बाय dt। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है जितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इधर होगा उतना नीचे का भी होगा, तो इधर जाने का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी, और नीचे आने का क्या है, एरिया इनटू नीचे आने की वेलोसिटी। साइन नेगेटिव इसलिए क्योंकि टैंक खाली हो रहा है। तो ये इक्वेशन बनाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैथ्स के लोग, फिर मेडिकल में नहीं कुछ नहीं करना आपने, मैथ के लोगों को पता है कि इंटीग्रेट करेंगे कि जीरो से टी टाइम में टैंक खाली हो गया जब हाइट एच से जीरो हो गई, तो इंटीग्रेट करके मेडिकल नॉन मेडिकल के सीधा रिजल्ट नोट करेंगे, ये टाइम है कितनी देर में टैंक खाली होगा। टैंक में अगर एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, एरिया ऑफ टैंक ए और ओरिफेस या होल का एरिया स्मॉल ए है, तो इतने समय में टैंक खाली होगा, फॉर्मूला नोट कर लें। वो कहेगा आपके पास दो टैंक है, एक में पानी की हाइट एच है, एक में पानी की हाइट 4h है, तो जिसमें 4h है उसमें ऑब्वियसली टाइम डबल ज्यादा लगेगा, तो ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो पानी कितनी देर में, टैंक कितनी देर में खाली होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है यहां तक।
देखो नेक्स्ट है, इसी के अंदर कुछ नहीं है, ये पुराने पेपर्स हैं, आपको मिलेंगे पुराने पेपर्स, कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास सपोज एक टैंक है या होल है, होल में से पानी निकला, तो पानी जब निकला तो टैंक पीछे गया तो सूडो फोर्स लगेगी या पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगी, सूडो तो नहीं बोलूंगा, रिएक्शन फोर्स लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। तो कितनी फोर्स लगेगी जो टैंक पीछे धकेलेगी, ये क्वेश्चन है। तो आप फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डीपी बाई डीटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, पानी की निकलने की वेलोसिटी वी है, और कितना मास निकल रहा है लिक्विड का, डीएम मास निकल रहा है डीटी टाइम में। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला नोट करें इस डायग्राम के साथ, इस फोर्स का ये फॉर्मूला है, ये डायग्राम बना के पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगी ये फॉर्मूला वी स्क्वायर ए इंटू रो। प्रूफ क्या करना है, वी स्क्वायर ए इंटू रो इसका फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो जैसे सपोज क्वेश्चन आएगा होल्स एक नहीं होल दो हैं, तो ये वाला पानी जब निकलेगा तो ये बीकर पीछे जाएगा और इस होल से पानी निकलेगा तो बीकर इधर जाएगा, नेट फोर्स निकाल लो। तो निकाल दो F1 माइनस F2, तो V स्क्वायर A रो, V2 स्क्वायर A रो, ये रो है यहाँ पे, डेंसिटी तो सेम ही है, ये लो ठीक है। और वेलोसिटी क्या होगी, V1 वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ऑप्शन मार्क कर लेना। फॉर्मूला की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूले लगेंगे, बस ये पता होना चाहिए ठीक है। इसके बेस पे ओके इसके बेस पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि ट्यूब है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए का पता है, ए वन पता है, एंड बी का भी पता है, यानी कि ए टू पता है। इफ स्पीड ऑफ लिक्विड इन ए इफ बी इज गिवन, तो वी टू की वैल्यू गिवन है, वी टू की वैल्यू गिवन है। ऑब्वियस अगर V2 गिवन है, V1 तो निकाल ही लेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो, A1 V1 is equal to A2 V2 ठीक है, V1 आ गया, क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो क्या लगाएं, बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज लगा लेना, P1 by rho plus V1 square by 2 is equal to P2 by rho plus V2 square by 2, H को तो लेना नहीं, तो यहां से P1 minus P2 by rho V2 square minus V1 square by 2, V1 V2 पता है, density पता है, P1 minus P2 can be calculated, answer, pressure difference आएगा। तो method समझ में आ रहा है, जो हमने theory की कैसे apply करनी है। देखो अगर वो concept पता नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे, सीधा numerical नहीं हो सकता ना, तो basics तो clear होने चाहिए, तभी मैंने वो aeroplane वाला pipe वाला question करवाया था कि आपको idea हो कि इसमें करना क्या है।
ठीक नेक्स्ट है, जैसे फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ एम गिवन, तो एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आ गया, टोटल विंग का एरिया पता है, तो इट इज इन लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ, तो एरोप्लेन की जो स्पीड है वो मुझे गिवन है वी कितनी 1080 किलोमीटर पर आवर, डेंसिटी ऑफ एयर पता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस क्या होगी, तो अगर नीचे वेलोसिटी v1 है ऊपर v2 है तो मुझे क्या निकालना है, v2 माइनस v1 बाय v1 इनटू 100 रहने दो, चलो फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे ये निकालना है, ठीक है यहां तक, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, v1 v2 निकालना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, तो क्या लगेगी बर्नौलीज, एक प्रॉब्लम है बर्नौलीज में, इसमें लगाने में इसने ट्रिक खेला बड़ा सही, p1 बाय रो प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 इज p2 बाय रो प्लस v2 स्क्वायर बाय 2, अब मुझे इसमें क्या निकालना है, v1 v2 निकालना है, प्रेशर डिफरेंस मुझे पता नहीं क्या है, प्रेशर पता नहीं मुझे क्या, तो मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे v1 v2 तो गिवन ही नहीं है, क्या करें, मेरे को इसमें v1 v2 नहीं गिवन क्या है, तो ये v क्या है फिर, प्लेन की स्पीड है, प्लेन की स्पीड के अंदर ये v2 v1, तो याद रखना अगर अकेली प्लेन की स्पीड दे रहे हैं ना तो एवरेज स्पीड दे रहा है, ये लो एवरेज, तो v दे रहा है, तो यानी कि यहां से क्या आएगा v1 प्लस v2 आएगा, याद रखना ये एवरेज स्पीड है, तो अब इस केस में अगर ये एवरेज स्पीड है, एक सेकेंड देखो, अब इस केस में अगर ये एवरेज स्पीड है तो पहले इसमें क्या लगेगा, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, क्योंकि इसका वेट गिवन है आपको, वेट बाय एरिया प्रेशर डिफरेंस आ गया, फिर आपने बर्नौलीज लगाई, बर्नौलीज में ये इक्वेशन लगाई, इसे लिखा v1 माइनस v2 इनटू v2 प्लस v1, प्रेशर डिफरेंस पता है, v1 प्लस v2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, v1 माइनस v2 आ जाएगा, v1 माइनस v2 आ गया, v1 प्लस v2 पता है, v1 माइनस v2 पता है, तो वहां से वेलोसिटी का चेंज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहां तक सॉल्यूशन का आइडिया दे रहा हूं कि मतलब वैसे बता रहा हूं कि इसमें कैसे यूज किया गया, तो ये अपनी बुक में आपने ट्राई करना है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, कह रहे एरिया ले लो और वेलोसिटी ले लो, एरिया ले लो वेलोसिटी निकाल दो, a1 v1 इक्वल टू a2, तो बोल तो रहा हूं आपको, अब लेवल तो देख लो कहां गिरा, इससे नीचे तो कुछ हो भी नहीं सकता, ये लोएस्ट है धरती पे आया क्वेश्चन बिल्कुल, इसलिए तो पताल लोक में तो जा नहीं सकते, अब ये तो पूछेगा नहीं कि आपका नाम क्या, लिख दो भाई सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, अच्छा ये तो पता है क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, सिलेक्शन हो जाएगी बस, बड़े क्वेश्चन तो बारी नहीं आनी करने की, इतने में तो केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन ही धो के जाके, बड़े क्वेश्चन करने से अच्छा, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करनी है आपने तभी बात बनेगी, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।